हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग पूजा की ज़िंदगी। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से आ चुके हैं आप लोग के लिए लेके एक नया ब्लॉग, जो कि है भिंडी भरवा, यानी कि रेसिपी बनाने वाली हूँ आज मैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधी किलो भिंडी ली थी और मैं उसको अच्छे से वॉश कर ली हूँ। फिर सारे भिंडियों को अच्छे से कपड़े से मतलब पोंछ लेंगे, जो मतलब गीली नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी। उसके बाद में फिर हम इस तरह से भिंडी के ऊपर और नीचे के कट करेंगे। फिर उसके बाद में सारी जितनी भी भिंडी है हम और उस इस तरह से कट कर लेंगे, और इसके मिडिल में भी इस तरह से कट करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने इसको कट कर लिया है। इसी तरह हम जितने भी हम भिंडी है सबको अच्छी तरह से हम बीच में कट कर लेंगे। तो आप वीडियो में बने रहे, आपको पता चलेगा हम आगे क्या की रेसिपी है। तो ये देखिए, भिंडी मैंने यहाँ पर सारा हमने कट कर लिया है, और ये देखिए पूरे अच्छे से मैंने इसको वॉश करके और पोंछ के, आप भी ऐसे ही करें। तो अब हम इसमें जो हम आगे की रेसिपी हम बता रहे हैं, इसमें हम जो मसाला है वो हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कटोरी ली है, उसमें हम डाले हैं लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, और इसमें हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे धना पाउडर। तो यहाँ पे ये एक्चुअली ये रेसिपी हम मेरी सासू माँ बना रही है। उसके बाद में फिर इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाला था। तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे तेल, सरसों का तेल, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। फिर अच्छे तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, जो भी हमारे मसाले हैं। और इसके बाद हम जो मसाले हैं उसको हम बीच में भिंडी जो हमने कट किया था सब भिंडी के बीच में इस तरह से हम भरेंगे। देखिए, तो उसके बाद में फिर हम इस सारी भिंडियों को हम यहाँ पे भर लिए हैं, और उसके बाद में फिर हम इसके आगे की रेसिपी हम बताएंगे। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे उसके बाद हमने सारे वीडियो को भर लिया था। तो अब हम इस कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे, और उसमें हम डालेंगे ऑयल। तो उसके बाद में हम ऑयल, ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर हम इसमें ऐड किए हैं जीरा, तेल गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसमें जो हमने भिंडी मतलब मसाले भरे थे वो भिंडी सा हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे। मुझे वैसे भिंडी पसंद नहीं है, लेकिन जो इस तरह से बनाते हैं तो हम मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए हमने इस तरह से बनाया था। मैं कम भिंडी पसंद नहीं करती एक्चुअली, लेकिन इस तरह से मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद में फिर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मतलब हमेशा आप ध्यान रखिए, भिंडी में अगर 10 भिंडी में 1 भिंडी में कीड़े ज़रूर निकलते हैं। तो जब भी आप भिंडी को कट करें तो उसको ध्यान से आप देख के ही कट करें अंदर के। उसके बाद में फिर यहाँ पे भिंडी को अच्छे से मिला के फिर ऊपर में हमने थाली रखी थी, मतलब प्लेट से ढक दिया थे। और मतलब भिंडी में एक्चुअली पानी नहीं डालते हैं, तो वो नीचे से लगने के डर रहता है, इसीलिए इस तरह से थाली में हम ऊपर ही पानी रख देंगे। इस अगर आप ऐसे करोगे तो भिंडी नहीं जलेगी। कोई भी अगर सूखी सब्जी बनाते हो तो उसमें अगर प्लेट ऊपर से ढके उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो अंदर नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए, मैं हमारी भिंडी मतलब आधी पक चुकी थी, ये पूरी नहीं पकी, आधी पक चुकी थी। और इसको हम पूरे नहीं गलाएंगे, जैसे कि ये पूरा हम पका देते हैं, हमेशा सब्जी होती है पूरा नहीं पकनी चाहिए, आधा ही पका के ही थोड़ा मतलब कम पके तो ही वो फ़ायदा करता है हमारे बॉडी को। तो ये पूरा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ये आधी मतलब पक चुकी थी, फिर जो हमने मतलब मसाला बच गया था वो उसके बाद में हमने इसमें ऐड कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ भिंडी हमारी तैयार है। तो मिलती हूँ नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ, या फिर कुछ रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे, बाय बाय।